हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो स्टूडेंट, ये वीडियो ट्वेल्थ इंग्लिश का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हम ट्वेल्थ इंग्लिश प्रोज के तीन महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि ट्वेल्थ इंग्लिश प्रोज से, ठीक है, आपके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो इस वीडियो में हम तीन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जो कि अब तक आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं और ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी हैं। पहली बात, मैं जो आपको बताऊंगा हिंदी मीनिंग के साथ बताऊंगा, और जो क्वेश्चन है, ठीक है, उसका आंसर मैं आपको साथ में लिखूंगा आपके साथ, ठीक है। तो साथ में मैं लिखूंगा, साथ में आप भी नोट कर सकते हैं और हिंदी मीनिंग के साथ हम पढ़ेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। इस वीडियो का टारगेट है मात्र 1500 लाइक का, ठीक है। तो आप लोग लाइक के टारगेट को पूरा कीजिए, मैं आपके एग्ज़ाम की जो है तैयारी अच्छे से कराऊंगा। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाई डिड द राइटर विलियम सी डगलस फॉल इन लव विथ इंडिया। देखिए, ये ए गर्ल विथ ए बास्केट चैप्टर का क्वेश्चन है कि व्हाई डिड द राइटर विलियम सी डगलस फॉल इन लव विथ इंडिया, यानी कि लेखक विलियम सी डगलस को भारत से प्यार क्यों हुआ, या फिर आप कह सकते हैं कि लेखक विलियम सी डगलस भारत के प्यार में क्यों पड़े, उन्हें भारत से प्यार कैसे हो गया। तो देखिए, कुछ क्वालिटीज हैं जो उन्होंने यहाँ पर आंसर में बताया है। देखिए क्या है, द राइटर, देखिए मैं साथ साथ लिख रहा हूँ, ठीक है, आप लोग भी लिखने की कोशिश कीजिए। द राइटर फाउंड दैट द पीपल ऑफ इंडिया वर प्राउड एंड ग्रेसियस इवन इन पावर्टी दिस वॉज द रीजन ही लव्ड इंडिया। देखिए क्या कहा जा रहा है, समझिए स्टेप बाई स्टेप। द राइटर फाउंड दैट द पीपल ऑफ इंडिया वी आर प्राउड एंड ग्रेसियस इवन इन पावर्टी, दिस वॉज द रीजन ही लव्ड इंडिया। क्वेश्चन आपका क्या था कि जो विलियम सी डगलस है वो भारत के प्यार में क्यों पड़े, उन्हें भारत से प्यार क्यों हुआ। तो देखिए क्यों हुआ, द राइटर फाउंड, लेखक ने पाया, दैट की द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोग बियर थे, इसे हम वर भी पढ़ते हैं, ठीक है, प्राउड गर्वित एंड ग्रेसियस और शालीन, एंड का मतलब और ग्रेसियस का मतलब शालीन, इवन भी इन में पावर्टी गरीबी में। तो लेखक का कहना है कि लेखक ने पाया कि भारत के लोग गरीबी में भी गर्वित और शालीन थे, यानी कि उनको गर्व था और वो शालीन थे। दिस वॉज द रीज़न ही लव्ड इंडिया, और यही कारण है कि वो भारत से प्यार कर बैठे, यानी कि वो भारत के प्यार में पढ़े, ठीक है, या फिर उन्हें भारत से प्यार हुआ, भारत देश से, ठीक है। तो समझ में आया कि लेखक विलियम सी डगलस को भारत से प्यार क्यों हुआ, क्योंकि लेखक विलियम सी डगलस जब भारत गए तो उन्होंने पाया कि भारत के लोग गरीबी में भी गर्वित और शालीन थे, यही रीजन था कि भारत के प्यार में वो पढ़े, ठीक है, समझ में आया, उन्हें भारत से लगाव हो गया। सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या हमारा, सेकेंड क्वेश्चन है, हु वॉज एजी गार्डनर्स फेलो ट्रेवलर, When did the author become aware of his fellow traveler? यानी कि आपका ए फेलो ट्रेवलर चैप्टर से है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक आध बार मैं आपको पहले भी मैं एक क्वेश्चन बता चुका हूँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है, हु वाज एजी गार्डनर फेलो ट्रेवलर, यानी कि ये जो लेखक हैं ए फेलो ट्रेवलर के लेखक हैं एजी गार्डनर्स, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एजी गार्डनर के सहयात्री कौन था, एजी गार्डनर जी का सहयात्री कौन था, फेलो ट्रेवलर मतलब सहयात्री। When did the author become aware of his fellow traveler? यानी कि लेखक अपने सहयात्री से कब अवगत हुए, यानी कि उन्हें कब आभास हुआ कि उनका एक सहयात्री है, उनका एक फेलो ट्रेवलर है जो यात्रा में उनके साथ जा रहा है। अवेयर मतलब अवगत होना, ठीक है, या फिर उन्हें कब पता चला कि उन्हें अपने सहयात्री के बारे में कब पता चला। तो देखिए इसका एक सिंपल सा आंसर है, पहले क्वेश्चन पढ़िए कि एजी गार्डनर जी का फेलो ट्रेवलर कौन था,
सहयात्री कौन था, उन्हें अपने सहयात्री के बारे में कब पता चला या वे अपने सहयात्री के से कब अवगत हुए। तो देखिए इसका भी आंसर हम लिखते हैं, सबसे पहले लिखेंगे हुआ जे जी गार्डनर फेलो ट्रेवलर, यानी कि ए जी गार्डनर जी का सहयात्री कौन था। तो इसका आंसर है ए जी गार्डनर्स, ये आई है ठीक है, ये एन है, समझ में आ रहा है। तो ए जी गार्डनर्स फेलो ट्रेवलर, फेलो ट्रेवलर वाज ये मॉस्क्यूटो, मॉस्क्यूटो यानी कि ए जी गार्डनर का सहयात्री एक मच्छर था। ए जी गार्डनर्स फेलो ट्रेवलर वाज ये मॉस्क्यूटो, ठीक है। आगे देखिए अब क्या है, व्हेन डिड द ऑथर बिकम अवेयर ऑफ हिज फेलो ट्रेवलर, यानी कि लेखक को अपने सहयात्री के बारे में कब पता चला। तो देखिए कब चला पता उन्हें, द ऑथर आप आंसर लिखिए, द ऑथर बिकम अवेयर ऑफ हिज फेलो ट्रेवलर, फेलो ट्रेवलर ठीक है, व्हेन ही वाज रीडिंग द न्यूज़पेपर, रीडिंग द न्यूज़पेपर एंड द मॉस्क्यूटो, मॉस्क्यूटो सैट ऑन हिज नोज, ठीक है। तो देखिए सिंपल सा इसका आंसर है, क्वेश्चन में था कि ए जी गार्डनर का सहयात्री कौन था, तो इसका हमने आंसर लिखा ए जी गार्डनर फेलो ट्रेवलर वाजिए मॉस्क्यूटो, यानी कि ए जी गार्डनर जी का सहयात्री एक मच्छर था। आगे क्या है, व्हेन डिड द ऑथर बिकम अवेयर ऑफ हिज फेलो ट्रेवलर, यानी कि लेखक अपने सहयात्री से कब मिले, ठीक है, उन्हें कब पता चला कि उनका सहयात्री है। तो देखिए द ऑथर बिकम अवेयर ऑफ हिज फेलो ट्रेवलर व्हेन ही वाज रीडिंग द न्यूज़पेपर एंड द मॉस्क्यूटो सैट ऑन हिज नोज, यानी कि लेखक को अपने सहयात्री के बारे में तब पता चला व्हेन जब ही वाज रीडिंग न्यूज द न्यूज़पेपर, वो हो समाचार पत्र पढ़ रहे थे या फिर न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे, एंड और द मॉस्क्यूटो सैट ऑन हिज नोज, और मच्छर उनकी नाक पर आकर बैठ गया, ठीक है। तो देखिए मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, ए जी गार्डनर जी का फेलो ट्रेवलर सहयात्री वाज था एक मॉस्क्यूटो मच्छर, यानी कि ए जी गार्डनर जी का सहयात्री एक मच्छर था। द आथर लेखक बीकेम हुए अवेयर अवगत ऑफ से हिज अपने फेलो ट्रेवलर मतलब सहयात्री, तो लेखक को अपने सहयात्री के बारे में तब पता चला व्हेन जब ही वह वाज थे रीडिंग पढ़ रहे द न्यूज़ पेपर यानी कि समाचार पत्र, जब वो समाचार पत्र पढ़ रहे थे एंड और द मॉस्क्यूटो मच्छर सैट बैठ गया ऑन हिज नोज उनकी नाक पर, और मच्छर उनकी नाक पर बैठ गया तब उन्हें पता चला अपने सहयात्री के बारे में। देखिए जो सैट है वो सिट का सेकेंड फॉर्म है, ठीक है, तो सिट का मतलब होता है बैठना, तो सैट हमने लिखा है क्योंकि यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। अब चलिए हम तीसरा क्वेश्चन अपना देखते हैं, तो देखिए तीसरा क्वेश्चन जो है ये हमारा है वुमेन्स एजुकेशन चैप्टर से, ठीक है। तो इसका क्या क्वेश्चन है, इसका जो क्वेश्चन है वो लक्ष्मण और राम के बारे में है। इसमें चैप्टर में बताया गया है कि व्हाट वाज द ग्रेट टीचिंग दैट लक्ष्मण्स मदर गेव हिम व्हेन ही वाज गोइंग टू द फॉरेस्ट, यानी कि ये बात है जब राम लक्ष्मण और सीता जी वनवास के लिए जंगल जा रहे थे तब की बात है। तो क्या पूछा गया कि व्हाट वाज द ग्रेट टीचिंग, व्हाट क्या वाज था द ग्रेट टीचिंग यानी कि महान शिक्षा दैट कि लक्ष्मण, लक्ष्मण की मदर माँ गेव दिया हिम उसे व्हेन जब ही वाज वो जा रहे थे गोइंग जा रहे टू द फॉरेस्ट जंगल में, यानी कि कहा जा रहा है कि जब लक्ष्मण जी जंगल जा रहे थे तो उनकी माता ने उन्हें कौन सी महान शिक्षा दी, या फिर उनकी माता ने लक्ष्मण की माता में उन्हें उन्हें कौन सी शिक्षा दी जब वह जंगल जा रहे थे। तो देखिए उन्होंने कहा था व्हेन, आप आंसर में लिखिए व्हेन लक्ष्मण, ठीक है, लक्ष्मण वाज गोइंग टू द फॉरेस्ट
व्हेन लक्ष्मण गोइंग टू द फॉरेस्ट हिज मदर टॉट हिम, क्या कहा उन्होंने, लुक अपान राम एज योर फादर, ठीक है, लुक अपान राम एज योर फादर, लुक अपान सीता एज माई सेल्फ। आगे देखिए और कहा था उन्होंने, लुक अपान द फॉरेस्ट एज अयोध्या, ठीक है, अयोध्या। तो उन्होंने कहा था जब लक्ष्मण जी जंगल जा रहे थे तो उनकी माता जी ने उन्हें कौन सी शिक्षा दी थी, ये प्रश्न है, कौन सी महान शिक्षा दी थी। तो देखिए आंसर में लिखी, व्हेन लक्ष्मण वाज गोइंग टू द फॉरेस्ट, जब लक्ष्मण जी जंगल जा रहे थे, हिज मदर टॉट हिम, उसकी माता ने उन्हें बताया था, लुक अपान राम एज योर फादर, यानी कि राम को अपनी पिता की तरह देखना, राम को अपनी पिता समझना, लुक अपान सीता एज माई सेल्फ, और सीता को मेरी तरह समझना, यानी कि उनकी माँ जी कहती हैं कि सीता को मेरी तरह समझना, यानी कि अपनी माँ की तरह सीता जी को समझना, देखना, लुक अपान द फॉरेस्ट एज अयोध्या, और जंगल को अयोध्या की तरह देखना। तो जब लक्ष्मण जी जंगल जा रहे थे तो उनकी माता ने उन्हें यह महान शिक्षा दी कि राम को अपने पिता की तरह देखना, सीता को मेरी तरह यानी कि अपनी माँ की तरह देखना, और जंगल को अयोध्या की तरह देखना, ठीक है। तो ये शिक्षा उन्होंने दी थी। तो यह था आपका 3 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया। आई होप कि आपको तीनों अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। इससे पहले भी मैंने आपको कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर में बता चुका हूँ। तो अगर आप लोग सर्च करेंगे कि 12th इंग्लिश इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुभम लेक्चरर, तो आपको सभी वीडियोज मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।